दोस्तों पंजाब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर काफ़ी बच्चे काफ़ी एक्साइटेड ने ते काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं जिन्हां विच पूछ रहे हैं कि सिलेबस की होगा सर, बुक की होगी, तो ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एंड इसका एग्जाम किस तरह का एग्जाम होगा, मतलब कि किमें कंडक्ट करवाया जाएगा। सब तो पहला आप एक सवाल क्लीयर कर लेने इतने कि ओबीसी कैंडिडेट किमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यह सारी कैटेगरी वाइज नाल आप देख सकते हैं किनिया कि पोस्टा ने। यह सब तो पहला उपरेंजर की पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट फिल कर सकता एक, इस अलावा सबका फौजी भी जनरल कैंडिडेट ही होना चाहिए है, तो टोटल दो पोस्टा ने, यह सिर्फ जनरल कैटेगरी वास्ते है। इस बाद आप सीधा आप गल कर लेने अपनी वनगार्ड की कुल 200 असामिया के, इतने आप चेक कर सकते वनगार्ड की 200 असामिया, इतने देखो जनरल एम बी आर ओ मतलब कि एस सी एन चू एस सी एस टी तो सबका फौजी, इस तो इलावा यह जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, तो सबको फौजी एस सी एस टी का होना चाहिए। इस तो अलावा खिडारियों वास्ते भी पोस्टा ने, खिडारी एस सी आर ओ वास्ते भी है, तो स्वतंत्रता संग्रामी दी 6 पोस्टा ने, तो आर्थिक तौर पर ई डबल्यू एस कैंडीडेट दी 20 पोस्ट। दोस्तों ओ बी सी कैंडीडेट वास्ते इन्हां विच कोई भी पोस्ट नहीं है क्योंकि वह अप्लाई नहीं कर सकता, इन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिता ओ बी सी कैंडीडेट वास्ते, है तो वैसे गलत है, यह सारी ही कैटेगरी नूं बराबर मौका मिलना चाहिए है, बट पता नहीं वैसे हर पोस्ट विच ओ बी सी का अलग दायरा रखा जाता है, पर इस विच पता नहीं क्यों इन्होंने ओ बी सी वास्ते पोस्ट इनकलूड नहीं की। सो फिक्र ना करो, ओ बी सी कैंडीडेट ने जिहड़े भी 12वीं पास ने वह जाके हैड कॉन्सटेबल की पोस्ट फिल कर सकते हैं, एस एस सी वालों काफ़ी चंगी जॉब रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट की हुई है जिस बारे मैं पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में हैड कॉन्सटेबल की भर्ती बारे पूरी जानकारी तुहानू मिल जाएगी। तो हुण आपां गल कर लैने इसका एग्जाम किवें होगा, तो लिखती पेपर मतलब कि ओ एम आर शीट बेस्ड एग्जाम होगा, तो ओ एम आर शीट बेस्ड एग्जाम किवें होंगे इस रिगार्डिंग मैं पहले ही एक वीडियो तुहानू प्रोवाइड करवा दी है, उसका लिंक भी मैं तुहानू या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूँ, तुसीं देख लियो कि ओ एम आर शीट ते एग्जाम किवें होंगे, तो पूरी जानकारी लै रहे हो क्योंकि कई बच्चे ओ एम आर शीट नूं गलत फिल कर देंगे ने, इस करके पहला चंगी तरह तैयारी कर लियो अते फिर चंगी तरह देख लो ओ एम आर शीट किस तरह की होंगी है, तो किवें कॉलम फिल करने होंगे ने, फिर एग्जाम देने जाओगे तो तुहानू ईजी लगेगा। तो दोस्तों हुण गल कर लैने आपां इसदे एग्जाम सिलेबस की, वैसे तो एग्जाम सिलेबस हाले ऑफिशियली इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, 3-4 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट सिलेबस आ जाएगा, पर सिंपल जी गल है पंजाब का एग्जाम है तो उन्होंने सबनों पता होना चाहिए है कि पंजाब के एग्जाम में पंजाब जीके के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस अलावा मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे तो रीजनिंग के भी आएंगे, तो हो सकता इंग्लिश के भी आ जाए, बट पंजाबी तो श्योर ने, इस अलावा कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑफिशियली सिलेबस आएगा उदों ही यह क्लीयर होगा कि किहड़े किहड़े टॉपिक के किन्ने क्वेश्चन इनकलूड होणगे एग्जाम विच, बट पंजाब जीके श्योर है दोस्तों, पंजाब जीके की तैयारी करना स्टार्ट कर दो तुसीं, ते अपने चैनल पर भी हुण मैं क्लास प्रोवाइड करावांगा थोड़ी देर विच तुहानूं पंजाब जीके की, तो पंजाब जीके बिकॉज हर एग्जाम विच आउंदी है दोस्तों, कोई भी एग्जाम दोगे तो करके पंजाब जीके की तैयारी कि स्टार्ट कर दो, जो सिलेबस आ गया फिर बाकी आप बाकी के सिलेबस टॉपिक में भी कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों इसका जो सिलेबस अनाउंसमेंट हो गया तो प्रोपर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई जाएगी साढ़े चैनल से, तुम्हें क्लासा प्राइवेट प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस करके जे प्रोपर तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता जाके उसको ज्वाइन कर लो, उस क्लासेस देते फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के रिगार्डिंग सारी इनफॉरमेशन मिलती रहेगी।